शहर का ये फुहारा चौक है और मूड ऑफ इंडिया जानने के लिए मैं आपके साथ हूँ विनोद लांबा। गोहाना शहर की जो बात करेंगे, तमाम जो विधानसभा के समीकरण आपको समझाने की कोशिश करेंगे और सोनीपत के लिहाज से क्यों गोहाना खास है। पिछले तीन बार से विधायक की बात की जाए तो कांग्रेस के यहाँ विधायक जीतते रहे हैं और गोहाना शहर में जो तमाम करीब 70 के करीब गांव आते हैं और 21 वार्ड हैं, इन तमाम बातों से राजनीतिक समीकरण शुरू करने से पहले, सवाल जवाब मूड भापने से पहले, गोहाना की असली पहचान मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन पिंटू से कहूंगा जरा दिखाएं, ये वो जलेबी है जो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, तमाम जो आसपास के दिल्ली NCR के लोग हैं उसको लेने भी आते हैं। लाला माथुराम हलवाई है और कहते हैं कि गोहाना में अगर कोई भी कार्य शुरू करना है और कोई बाहर से आए तो जलेबी से शुरुआत करता है। लाला जी कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक हो सर। हम लोग टोटल न्यूज से हैं, मूड ऑफ इंडिया भाप रहे हैं तो गोहाना का मूड क्या कह रहा है, और उस मूड से पहले ये बताइए जलेबी का जो सस्पेंस है, कितनी उलझी हुई जलेबी है और इतनी बड़ी ये नजर आ रही है, 1 किलो में तो बहुत कम चढ़ती होगी सर। 1 किलो में 4 चढ़ती। कहाँ कहाँ तक फेमस है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं गोहाना की जलेबी लेने? दूर दूर से आते हैं सर, दूर दूर से आते हैं। तो गोहाना की जलेबी ही बड़ी है कि राजनीतिक दलों के लिहाज से यहाँ के मतदाताओं का दिल भी बहुत बड़ा है, या जलेबी की तरह उलझा हुआ? नहीं नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है सर, जलेबी उलझा हुआ नहीं है, उलझा हुआ नहीं है। क्या रहेगा यहाँ मूड, क्या कहता है यहाँ का मूड? मूड के तो मैं लोगों के बारे में क्या कहता, बाकी आप जलेबी खाओ। चलो भाई, ग्राहक आ रहे हैं, जलेबी आपने दिखा दी, 1 किलो में 4 चढ़ती। भाई क्या मूड कह रहा है गोहाना का, राजनीति उलझी हुई है क्या जलेबी की तरह? राजनीति तो बहुत कठिन है यहाँ की, और किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा यहाँ से। सोनीपत विधानसभा में आता है, सोनीपत लोकसभा के लिहाज से सोनीपत विधानसभा भी है, गोहाना विधानसभा अहम होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हॉट सीट बन चुकी है। हॉट सीट है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं जीतेंगे यहाँ से, दिग्विजय उनसे ज्यादा वोट लेगा। और वजह ऐसी है कि जाट नॉन जाट का वोट चल रहा है, हर जगह यही हाल है, जाट और नॉन जाट की वोटिंग हो रही है। हो सकता है कि रमेश कौशिक फिर से दोबारा सांसद बने, ये पहली बड़ी बात यही निकल कर आ गई। अब जलेबी के साथ मैं भी शुरुआत कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ एक दुकान से या फिर कहें कि एक शहर के मेन पॉइंट से पूरी समीकरण पता नहीं चलते, शहर में चलते हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों की तरफ आपको लेके चलते हैं और भापने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोहाना में मूड ऑफ इंडिया क्या कह रहा है। गन्नौर की जलेबी के अलावा गन्नौर का जो तम्बाकू होता है, खासतौर से हुक्का चलता है, वो भी काफी फेमस है और कुछ युवाओं में भी देखा है कि हुक्के का प्रचलन रहता है, पूरा बकायदा ठंडा करने का इंतजाम है हुक्का, जिससे पानी गर्म ना हो, और बाजार बीच बाजार ही आप देख रहे होंगे कि यहीं युवा बैठे हुए हैं। भाई साहब, गन्नौर में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, मूड क्या है, इलेक्शन की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? हम तो भाई हरियाणा में तो पहला मोदी का नाम चल रहा था, JJP दुष्यंत चौटाला जो संसद में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवा के हक में जो लड़ाई लड़ेगा दुष्यंत चौटाला, हम JJP की वोट देंगे, दुष्यंत चौटाला की वोट देंगे। वैसे पहले मोदी का नाम था, मोदी को हम बिल्कुल भी नहीं दें। एक हमारे यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया है, उन्हें जाति पाति का छह जहर फैलाया है, उसको तो बिल्कुल भी हम वोट नहीं देंगे। और मोदी की देवा है ये आम पब्लिक, मेरी अंदरूनी आत्मा युवा के उत्तर होते हुए दुष्यंत चौटाला हमारे लिए सही लग गया, हम उसे MP भी मनाएंगे और हरियाणा का मुख्यमंत्री भी। हर युवा की वोट जैसे मोदी के नाम से वोट मिली थी, युवा की वोट तो 99% की बात दुष्यंत चौटाला के पास। युवा यूथ की हम बात कर रहे थे, दुष्यंत की तरफ रुख है, बाजार का रुख है और जो तमाम चीजें देख रहे हैं युवा इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं JJP का नाम ले रहे थे, बाजार में कहीं और रुख करते हैं कि जो लोग खुलकर बोलना चाहते हैं उस बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि गोहाना का मतदाता अब तक जितनी हमने बात की है बहुत ज्यादा खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। गोहाना के बाजार में ही कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, यूथ से बात की और तमाम चीजें थी। क्या रहेगा गोहाना का जो मूड, क्या कह रहा है? मूड ऑफ इंडिया में हम एक शो कर रहे हैं और उसमें जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या मूड है, गोहाना का मूड क्या है सर? गोहाना का वो मूड बढ़िया है, इलेक्शन को लेके BJP का जोर है, BJP का जोर है। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लगता है कि BJP की तरफ आप लोगों को रुझान कर रहा है? BJP सही काम करा रही है और ये सीट तो एक हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दी है और एक तरह से चुनौती देने का काम किया। इसके अलावा मौजूदा जो सांसद है रमेश कौशिक, कहा जा रहा था कि उनकी टिकट कटेगी लेकिन टिकट उनकी कटी नहीं, पिछली बार के जो मौजूदा सांसद हैं वो भी मैदान में है, एक इनेलो के उम्मीदवार भी हैं। क्या रहेगा जो तमाम 4-5 आप कैंडिडेट देखते हैं तो?
मोदी जीते हैं भाई। गोहाना के कौन से ऐसे रमेश कौशिक, किस वजह से, क्या मुद्दा ऐसा है जो मोदी को वोट देंगे? सबसे बड़ा चेहरा मोदी, उसके बाद अगर कोसी के काम देखो तो भाई साहब गोहाना में फ्लाई ओवर करवाया, उस बंदे ने पास भी करवाया, बन भी गया। और दूसरी बात, एक मुरथल से बिल्कुल नया हाईवे डायरेक्ट जींद, वो सिर्फ कोसी ने पास करवाया, रेल कोच फैक्ट्री ले गया। उडाना झूठा ड्रामा बनाया कि भाई रेल कोच फैक्ट्री लगा दी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोसी ने डायरेक्ट वो लगवाए दी। बाजार की कोई ऐसी खास बात जो आप हमें बताना चाहें, खासतौर से टीवी के माध्यम से, कि बाजार में हम बैठे हैं, तमाम जो दुकानें आप दिखा रहे थे भाई के, मतलब बाजार का यो है भाई, आरक्षण होया, खूब दुकानें जली थी भाई, आरक्षण होया, बीजेपी ने बढ़िया मुआवजा दिया, इसमें कोई वो नहीं भाई, इसी कारण भाई बीजेपी के वोट देंगे। सब ने बताया भाई आरक्षण किसने करवाया और क्यों होया और किसके इशारे पे होया, किसके इशारे पे, किसके इशारे पे। ऐसा है, मोदी की लहर चली हुई है, पहले से भी ज्यादा लहर है। मोदी ने ऊपर अच्छा काम करवाया, जो पाकिस्तान स्ट्राइक करवाया था उससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए मोदी को वोट देंगे हम। कोसी को नहीं, मोदी को वोट देंगे हम। तो कोसी को नहीं, मोदी को वोट देंगे, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर भाई। कोसी को इतना वो आया भी नहीं, गामा मोदी है, कम आया फिर भी वोट मोदी की देंगे, हर जिताओगे जीतेगा वो सोनीपत सीट से। सैनी साहब है, सैनी साहब बताओ क्या मूड है, किस तरफ जाओगे लोकसभा चुनाव में और किस वजह से जाओगे? ये मोदी की तरफ जाएंगे जी, क्योंकि ये जो रमेश कौशिक है तो कहीं भी जाता नहीं है गाँव में, हम मोदी को वोट देंगे। नाराजगी के बावजूद भी जो कमल का चुनाव चिन्ह है वो लग रहा है आपको? हाँ जी, मोदी को देंगे। किस वजह से? हाँ जी, मौजूदा सांसद से कोई नाराजगी भी है? हाँ जी, नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अब दुकान पे थे, कुछ ग्राहक भी आ गए, भाई साहब कहाँ से, यहीं से हो ना? गोहाना से? मैं जींद से हूँ जी। जींद से तो आता तो इसी लोकसभा में ही है, सोनीपत में ही। चलो बताओ जी, क्या मूड है, जींद की भी हवा सी भाप लेते हैं आज। गोहाना बाजार की तो यही खूबी होती है ना कि तमाम तरह के ग्राहक भी आते हैं, इन लोगों के पास भी रिपोर्ट होती है। आप क्या कहेंगे? मोदी जी 100% वजह डेवलपमेंट इंडिया की, हाँ जी, जो तो इसने की है पिछले 5 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई थी, जो इन्होंने 4.5 तो जींद के हवाले क्या आ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल तो आती है जींद जिले की भी ना, इसमें 3 विधानसभा तो, हाँ 3 विधानसभा आती है उसमें, मतलब हमारा जींद जो है सोनीपत में आता है, इसमें लोकसभा में। जी जी जी, हाँ जी। तो चलो, बाजार में हम मूड भापने की कोशिश कर रहे थे, ये अच्छी बात है कि गोहाना में कुछ लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। जींद की 3 विधानसभा सीटें भी इसी लोकसभा में आती हैं, और गोहाना में जब मिलन हुआ है दुकानदार का और जो ग्राहक का, यहाँ से कुछ जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं। हाँ जी सर, बताओ। ऐसा है जी, मोदी को देंगे वोट को, बिल्कुल, क्योंकि काम जो है ये सबसे अच्छे कर रहे हैं, और ये जो उड़ा पुड़ा है ये सब बेकार है, बिल्कुल। वो गढ़ बता रहे हैं कि भाई मैंने तो बदनामी एक तरह से कहा जाता है कि सोनीपत और रोहतक के काम के लिए ही झेली थी। और ठीक है जी, ठीक है, सैनी को नहीं दोगे ना? हाँ मोदी को देंगे, सैनी तो भी आ रहेगा यार, सैनी तो भी आ रहेगा, सैनी तो दे दी तो वोट कट जाएंगी, वोट कांग्रेस का जीत जाएगा, मोदी की देंगे। चलो बाजार का रुख का कुछ नहीं है, मोदी तो देंगे। इन लोगों का यूथ भी है, बुजुर्ग भी हैं तमाम, कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? गांव में भी जोर मोदी का हो रहा है, हरेक कह रहा है मोदी की वोट। खाली शहर की बात नहीं है, गांव तक भी, क्योंकि बाजार में बैठे लोग आते हैं। मेरा गांव में आसमान खुर्द है जी, वहाँ भी जोर मोदी का ही हो रहा है जी, मोदी को वोट देंगे, हर बार लकड़ेगा जी मोदी भी, लहर है मोदी की, गरीब आदमियों का कानी भी लखा रहा है, सब कानी रखा रहा है जी, ये हरेक खुशी है मोदी जीते तो जी। चलो, आपने गांव का जिक्र किया, अभी अनाज मंडी होते हुए हम गांव की तरफ भी जाते हैं, बाजार का एक रुख हमने भाप लिया है, आपकी अपनी बात थी। हाँ भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? गोहाना का गांव ट्रस्ट कर रहे हो जी। अच्छा, मेरा नाम सोमदत्त है जी। मोदी की एक तरफ फिलर है, बहुत बढ़िया काम है, और जो बड़े बड़े चेहरे उतरने का कह रहे हैं जी, हॉट सीट बन गई, कितने बड़े आ जाओ जी, ये तो देवीलाल भी आ रहा है इस सीट से। सही बात है, देवीलाल तो देश का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री तो बड़ा कुछ होता नहीं जी देश में, प्रधानमंत्री भी आ रहा था यहाँ से, उप प्रधानमंत्री क्या था वो, तो ऐसा ही हो जी। तो वो कह रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला की उनका बदला लेने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपस में बांट लेंगे, दोनों जनी वोट दिए हैं, मोदी भी तुम्हें लकड़ जाए आपस में कर रहे हैं दोनों। तो हॉट सीट तो है, चर्चा तो हो रही होगी ना इस सीट पे, लगातार राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी होगी, माहौल बन चुका है, 12 मई को वोटिंग भी है। 12 साल लगा दिए काफी, 10 साल लगा दिए तो साल। हॉट सीट पे चेहरों को नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? चेहरा कुछ नहीं जी, मोदी ने देख के रहनी है वोट जी। तो चलो, एक वोट जी, वोट है जी, आदमी ने, आदमी बहुत बढ़िया है जी, ठीक, गरीब आदमी का साथ देवा है जी,
अमीर का नहीं भी लिखा हुआ जी, गरीब का नहीं भी लिखा हुआ, मतलब सबका है जी। वोट उसको देने चाहिए जो आदमी ने, बड़े आदमी है जी। बड़ी एक बात बताओ, बताओ दीपेंद्र रोहतक तो हो गया, भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत हो गया, मतलब ये नेता बनेंगे, और को आम आदमी भी तो बन सका है, सिर्फ बीजेपी में बन सका आम आदमी। यह बात देखो ना आप, रोहतक तब वो सांसद हो गया, कौशिक साहब भी तो कांग्रेस ही थे पहले, कौन थे कांग्रेस, फिर बदल तो ली, था तो एक आम आदमी, दादा लाई तो नहीं था ना उसका दादा एमएलए वो मुख्यमंत्री, वैसा तो कुछ नहीं है ना। रोहतक तो उसका मतलब वो छोरा हो गया एमपी, आड़े थे मतलब जो है बाबू हो गया, कह रहे हो बाप बेटों की चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो दीपेंद्र भी आ रहा है गारंटी है। चलो रोहतक की तरफ रुक करेंगे, अभी सोनीपत में आता है तो यहीं की बात करते हैं, रोहतक का रुक करेंगे वहाँ। रोहतक से ज्यादा सोनीपत से जीता है हुड्डा जी। अच्छा हाँ, जीत रहेगी जी, कौन सा ज्यादा जीता होगा? तो मोदी मोदी कह रहे हैं कि भाई चेहरा बड़ा नहीं है, मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, मोदी ठीक है जी, पर हमारा हुड्डा गुना कम है जी, हुड्डा उससे भी अच्छा है, हम अपने एरिया का भी तो देखेंगे, हमने अपने एरिया भी तो देखना है, हमारा विकास तो तब होगा ना जब हुड्डा होगा। एक बात बताओ ना, हम तो अपने विकास का भी देखेंगे ना। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके व्यूज है, आपका मूड है। हम सुनो मेरी बात है, बड़े भाई ने कह दिया विकास, हाँ। तो भाई की नजर तक करा हुआ, सब गए अपने अपने नजरिए हैं। विकास बताऊं भाई साहब, एक बात आओ, पहला सारे टैलेंटेड मतलब रोहतक में जन्म ले रहे थे, हरियाणा में देख लो मेरे काम में 16 छोरे लागे भाई साहब, 10 साल कांग्रेस रहेगी एक छोरा ला गया होगा, वो भी सरपंच का छोरा ला गया था। भाई साहब छोटो एक मिनट, ये नौकरी की बात करें ना, घर घर नहीं लग सकती, मैं बताऊंगा आपके, गोहाना मंडी में जाओ तसल्ली करो, उड्डा की सरकार आने से पहले कितनी जिन्स बिकती थी, आज के बाद तो मैं जाऊंगा ही, अभी यहाँ की बात कर ले, आज जिन्स कितनी बिकती है, अब वो डाटा निकलवाओ, उड्डा के आने के बाद हमारा एरिया कितना खुशहाल हुआ, कितना पानी दिया, कितनी नहरों का सिंचाई का साधन कराया उसने, और चलो इस बात को अभी विराम देते हैं, आपकी हर सुनो मेरी बात, देखो जी 13,000 ग्राम इसी नौकरी दी थी, जिसका 7 पीढ़ी तक नौकरी नहीं थी, 13,000 का रामत इसी नौकरी दे दी। चलो आप देखो आपका कुछ, सुनो मेरी बात सुनो, अब आपने बड़े भाई मेरी बात सबसे बड़ी सुनो, मोदी की सबसे बड़ी पॉलिसी भी रखी है, पहला काम हम 2-2 घंटे लेट हार दी, मैं बड़ोते काम का हूँ, मेरे काम में चालो कर आधा मीटर बाहर लाग रहे हैं, मैं भाई साहब नु चैलेंज करूँ 18 घंटे लेट हार। चलो मैं एक बात को विराम देता हूँ कि आपका अपना मत का अधिकार है, आप कैसे इस्तेमाल करें, आपको कौन पसंद है आप इस्तेमाल करें, इसमें हम कोई ओपिनियन बनाने वाले नहीं है, हम सिर्फ मूड बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदमी हम मोदी को नहीं बिसरा दे, मोदी उससे पहले हम मोदी के दे, पर तो हुड्डा आने के बाद हम हुड्डा की तरफ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका अधिकार है कि किस मुद्दे पे किस नेता को दो, उसमें हम तो सिर्फ एक मूड भापने की एक सैंपल साइज होता है कि जनता का मूड क्या, वो कोशिश कर रहे हैं, ये आपका विशेष अधिकार है कि किस मुद्दे पे किस नेता को या किस बड़े नेता को या छोटे नेता को या सांसद को वोट दें। तो चलिए शहर में जो तमाम बातें हो चुकी हैं, बाजार में, बाजार से रुख करते हैं अब किसानों का, भाई चर्चा बड़ी गर्म चल रही है, आपकी किस मुद्दे पर चल रही है? मेरी मोदी के मुद्दे पर क्या लाभ कराया मोदी ने? मोदी ने हाँ, सब तो पहले भ्रष्टाचार मिटे, घना बढ़िया मिटे, कती वो करवाए रुए मिटन वाले, ना 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 खुद मोदी करवावे और भ्रष्टाचार को करवावे, मोदी नहीं करवाता, सारे साल हो जाएंगे कालाधन 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 कितना और सबका दुनिया का, तुम मोदी बच्चा खा रहा है, सबकी सहायता, सबने रोटी मिलनी चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए देश में, तेरा क्या कर दिया? तुम बताओ ना, आप बताओ ना जवाब दो इसको, कौन आपसे आपके उड्डा की जाएंगे साफ का डर सुखी रहे, आप बताओ अपने लोग अपने रीजन बताओ, इनको उड्डा ने सारे काम जितने करे बढ़िया करे, जो काम करे जो जन जन की सेवा करे मोदी ने कराया, ईसा का मुद्दे ने नहीं करा, बोलने दो एक बार, हां आप बताओ क्या क्या कराया उड्डा ने, बताओ सब के रोड बढ़िया तो बढ़ गया, और ये जो ग्राम हुआ कर टंकी संकी गरीबा की सहायता करी है, तब आई सब कम करवा है उड्डा ने, सब कम करा बढ़िया करवा है, नहीं मोदी ने सबसे ज्यादा काम किया, मोदी ने तम ओए तमरवाण वाला और ओए लोगों ने बहका, ऐसा नहीं हो सकता, देख मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, शहर में अरे इन गांव में कितनी सफाई चल रही है, नु देखो सारे के जाके देखिए एक बार, एक बार जाके देख ले, अकेली भारी पड़ रही है आप दोनों, ना बहुत बहुत अच्छा, मोदी की देनी मोदी की कमी कर रही है, हम अपनी कमी कर रहे हैं, चलो चाची ताई आप युवाएं, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा 2019 लोकसभा चुनाव मोदी की है जी, किस वजह से काम सही कराया जी,
जो ई भी मौत हुई थी उनकी उसमें उन्हें कितना गुस्सा था, बहुत खूब कराया और किसी ने कराया कुछ भी नहीं कराया किसी ने। की लड़ाई सिर्फ मोदी ने कही है और किसी नेता ने नहीं कही, इससे बढ़िया और क्या होगा? कांडवे करवाने वाले सर वो भलाई लेने वाले। बहन जी आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ तो कहो ना, वोट किस मुद्दे पे डालोगे? 2019 में वोट तो डालने जाओगे ना, गुहाना के हो वोट डालने जिसके घर के कहेंगे बस्से के देंगे भाई मर घर के। ये तो अपने आप ही फैसला ले रही हैं आप, घर के हिसाब चल रही हैं अभी ना भाई, जिसका कुंडबा देगा भाई उससे के देंगे। चलो घर को का बता दो, मारे कल के भाई उड़ा कह रहे तो उड़ा के देंगे हम, किसकी देंगे? नहीं एक एक आपने लाइन बोली, दोबारा कैमरे बोलो क्या बोला आपने? ये एक गांव का पंचायती चुनाव नहीं है, ये एक देश का चुनाव है। देश में इसी सरकार आनी चाहिए जो हर एक मानस के हर एक जन के बारे में सोचा है। और मदद आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? बस जी ने कह दियो ठीक है, कुछ तो फिर आपका मत होगा ना अपना। मोदी ने तो कह रही है 2000 रुपया कापी में, कापी में इनके उसमें। ये 72,000 की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी 72,000 की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, नहीं हम नहीं मानते राहुल गांधी, राहुल गांधी 72,000 की बात कर रहे हैं। हम क्या राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल बढ़िया कर रहे हैं कते हर एक चीज में। नहीं गलत बात कुछ नहीं, कति गलत बात है ना कति गम में कोई ना कार्य नहीं करवा, कोई नया कार्य मोदी ने सब कुछ कार्य कराया है। तो चलो क्या होगा फिर तेरे लिए कराया होगा? तो चलो चलो, ये एक महिलाओं की पंचायत थी और एक अलग ही रुख देखने को मिला है। सबसे बुजुर्ग महिला है ग्रामीण में तमाम इलाका, ताई राम राम। राम राम। ठीक चल रहा है इलेक्शन का मूड वूड के चल रहा है, किसकी वोट गिरोगे? ये भाई जिंग बाड़क हम गिर देंगे। नहीं किसका ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है भाई, मोदी काम बढ़िया कर रहा है या कांग्रेस वाले बढ़िया कर रहे हैं? जेजेपी का तो सारे कर रखा, कुछ नहीं कोई कर रहा। ये बुड्ढा भी न्यूज है सोनीपत आ गए लड़ने लोकसभा चुनाव, उड्डा ने भी रक्षनाम दुखी करे जो तो गया और लख तो ना गया। क्या दे गए ये जो करीब टूटे दानका के वड़का के तो थोड़े लंबरा में भी नौकरी लग जा है और जट्टा के तो कोई ना पूरे लंबरो तो नहीं है। अच्छा जब युद्ध सुनियो तो या था फिर के इसमें ये बुड्ढा दे तो गालिख तो ना गया कि भाई जट्टा का भी सही होगा। अच्छा तो चलो, गांव का ये अपना अपना रुख है। तमाम जो महिलाएं बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला से हमने बात की और दोपहर का समय है और बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ गांव की चौपालों में जो ट्रेडिशनली नज़र आया करते थे वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक नई तरह की पंचायत हमें देखने की मिली जहाँ महिलाएँ भी अब एक तरह से जागरूक होकर तमाम मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार। राम राम जी। हम लोग सर मूड ऑफ इंडिया एक शो कर रहे हैं टोटल न्यूज़ पे और जो गोहाना की जो विधानसभा है सोनीपत लोकसभा में आता है, क्या मूड चल रहा है वो जानना चाह रहे हैं। आप लोगों से बात कर लें जरा। क्या मूड चल रहा है जी? बताओ बताओ क्या मूड चल रहा है सोनीपत लोकसभा में आता है गोहाना के एरिया, आप क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखकर वोटिंग होगी 2019 के लोकसभा चुनावों में? मुद्दे कोई ज्ञान नहीं भाई। किसको ज्ञान है, चलो उससे बात करते हैं। क्या मुद्दे चल रहे हैं जी यहाँ? अरे सतीश राजगीर है जेंगा जी, सतीश राजगीर। नहीं 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 लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव। लोकसभा गाड़ी मेरा कौन सा लोकसभा? अरे बड़े चुनाव संसद वाले। हाँ बड़े चुनाव मोदी की देंगे, मोदी की। हाँ और बड़ी हॉट सीट बता रहे हैं इसमें कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ गए, दिग्विजय चौटाला भी आ गए, रमेश कौशिक भी सांसद है यहाँ। कैसे मोदी की देंगे सभी यहाँ पे? अच्छा हाँ जी, कोई उठहरो से निचरली वोट सतीश राज जो की। सांसद के पद पे खड़ा हुआ उसकी से ज्यादा ध्यान जो होगा मोदी की तरफ है, आप मोदी की तरफ है जी। आप क्या कह रहे थे? कह रहे थे भाई वोट मोदी की है, बड़ी दो तो छोटी सतीश उठे रहा हर से। छोटी की बात कर लेंगे, अभी बड़ी की बात हो रही है, बड़े की मोदी की है बड़ी दो। ऐसा कौन से कार्य लगते हैं आपको, ऐसे कौन से काम किए हैं जो आप लोग बतेरे कर रहे हैं बेचारा जो कर रखे थे? तीन मेरे यार क्यों काम का औजार दिए जमा मोदी ने के करा है एक भी कर बाढ़ चपेट के लग गए हैं आप लग गए। अच्छा कांग्रेस में के कर दिया सारे बेटा रखे करा बोले हो तुम्हें? मोदी जी क्या वजह लगती है कि जो आदमी काम करा बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, काम किया है काम किया है। अच्छा अच्छे विचार आ रहे हैं। अच्छा
सारे यहाँ मजा की है, आप किसी बात कोई बात नहीं, मजाक तो कर सकते हैं, बस थोड़ी सी बता दिया हमने। हमने तो जी मोदी प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी से अच्छा हमने कोई आदमी नहीं लगा। और साहब जो काम मोदी लाल है ना जो है, वोट तो उसकी दे, लेकिन हमने कुछ गदड़ा हो रहा है, जितने वादे करे सब झूठे निकलने लग रहे हैं उसके। सस्ता नहीं एक भी आ लिया, इसके ऊपर वाले जो वादे थे जी हाँ, अच्छा मोदी झूठा निकलने लग रहा है, कोई सस्ते वादे नहीं कर लिए ना जो कहे। और जो उम्मीदवार नहीं, चलो ठीक है वो बात होगी। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आप, इस ठीक है हंसी मजाक होते हैं, दिन में बैठे हो अपना टाइम पास भी करोगे, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि जो जो हॉट सीट होती है ना, जो सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसकी दिल्ली में भी चर्चा है, वो अब सोनीपत बन चुकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर आ चुके हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, कौशिक साहब जो मौजूदा सांसद हैं वो भी इस सीट पर हैं, उस लिहाज से कैसा रहेगा? रुख हुड्डा भी आ रहा है यहाँ, हुड्डा भी आ रहा है, देवीलाल का परपोता भी आ रहा है, आपकी लैंग्वेज में बोल के बताता हूँ, और कौशिक मौजूदा सांसद है जो मोदी के कमल के चुनाव चिन्ह पर खड़ा है। बड़ी सीट हो रही है, चर्चा हो रही है दिल्ली में इस सीट की, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो हम तो क्या असर पड़ेगा? हम तो जी देख छोटी जो खड़े है ना, हमारा खड़े है सतीश राज यहाँ से। नहीं नहीं, जो उम्मीदवार खड़े हैं एमपी के लिए, सांसद बनने के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस सीट पर आने से फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है, निर्दलीय को फर्क पड़ेगा, सतीश राज देशवाल हमारे गांव से उठा हुआ। देशवाल साहब की बात ठीक है, वो विधानसभा में बात होगी, मैं कह रहा हूँ कि जो चलो हॉट सीट है, तमाम जो बड़े चेहरे आ रहे हैं उसके हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री यही सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो वो लड़ रहे हैं, वो तो कांग्रेस के हैं लड़ रहे हैं। हाँ तो और क्या, अब यहाँ जितने भी वोट होंगे उसको देंगे। तो चलो तमाम मुद्दे हो सकते हैं, आप लोगों को मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप लोग अपनी कार्यवाही जारी रखिए, दिन का समय पास होना है, कहीं और चलते हैं। नहीं कुछ नहीं, कुछ बात नहीं, मूड क्या चल रहा है सोनीपत का? लोकसभा के लिए वोटिंग होगी, किस मुद्दे पे वोट होगी? मुद्दे वोट तो जी देखो, ये जो अपना कांग्रेस का है भूपेंद्र हुड्डा का, और क्या मुद्दा होता जी इसका, ये है अपना कांग्रेस का जो पहले भी 5 सीट थी ये आई थी इसकी, अभी भी यही आऊंगी, और मुद्दा क्या है जी? अच्छा लोकसभा में, चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मूड ऑफ इंडिया में ये था गोहाना का वो बूट जो जलेबी से भी ज्यादा उलझा हुआ आपको नजर आएगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत हुई, और मूड ऑफ इंडिया में टोटल न्यूज आपको लगातार दिखाएगा। तमाम हरियाणा के जो 10 की 10 लोकसभा सीट है वहां का मूड दिखा चुके हैं, लेकिन अब उससे भी ज्यादा अंदर जाते हुए, रिमोट एरियाज तक पहुंचते हुए, हम हर विधानसभा के लिहाज से भी दिखाएंगे कि लोकसभा में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं। और गोहाना का ये मूड ऑफ इंडिया आप खुद तय करें कि क्या तय करेगा गोहाना का वोटर जब 12 मई को लोकसभा में वोटिंग होगी। फिलहाल चलते हैं कहीं और आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे क्या है मूड ऑफ इंडिया। कैमरा पर्सन पिंटू प्रजापति के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़ गोहाना।